सायुरी के लिए कान्हा हुआ परेशान। नकुल ने घर वालों को बताया सारा सच। शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, जहां हम सभी जानते हैं कि चीरू के जाने के बाद फाइनली सयूरी और कान्हा ने शादी कर ली है, जो कि अब तक घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं की है। ऐसे में आपको बता दें, शादी के बाद कान्हा काफी ज्यादा ख्याल रखते नजर आ रहा है सयूरी का। तो अब सयूरी और कान्हा है जो की एक साथ नहीं रह रहे। कान्हा है जो कि नकुल के कमरे में ही सोता है, तो सुबह उठते ही नकुल घर वालों के सामने ये सारा सच कह देता है। कुसुम ये सारी बातें सुन लेती है। थैंक यू। एक्चुअली अभी सयूरी की एंट्री हो गई है हमारे परिवार में, शादी हो चुकी है। तो आप सबको पता है कि ये परिवार दो हिस्सों में बट चुका है, मतलब नॉट लिटरली, पर ओपिनियंस दो अलग अलग है। एक तरफ है माँ और कुसुम यानी मैं, और दूसरी तरफ बाकी पूरी फैमिली है। तो ड्रामे की शुरुआत हो चुकी है। सयूरी पसंद नहीं है माँ को भी और मुझे भी, तो इसके बाद क्या क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको सीरियल देखनी पड़ेगी। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं माँ ऐसे मानती है कि सयूरी चीरू के जाने की वजह है, या कान्हा चीरू के जाने की वजह है, उसकी वजह से आज कान्हा नहीं, चीरू नहीं है। तो इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और कुसुम कहीं ना कहीं माँ को सपोर्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि माँ सही है, और इसीलिए शायद वो दोनों सयूरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्या सयूरी को एक्सेप्ट किया जाएगा? शायद या शायद नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आप देखते रहिए सीरियल हमारी। दूसरी ओर ये भी देखने मिल रहा है कि सायुरी को लेके कान्हा काफी ज्यादा परेशान है। कान्हा सुबह उठता है और तुरंत ही आता है सायुरी से मिलने। कान्हा यही सोच रहा है कि सायुरी को किसी भी चीज की कमी ना पड़े। ऐसे में कान्हा सायुरी की चिंता करते नजर आ रहा है। वेल, शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि अब दोनों की ये कहानी क्या मोड लेगी और फिर कब शुरू होगी इनकी प्रेम कहानी। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीवी से जुड़े तमाम अपडेट, शो से जुड़े लेटेस्ट गॉसिप हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप देख रहे थे फर्स्ट इंडिया टेली।